भाजपा लगातार। देखिए पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। पंजाब की जीत से हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे सपोर्टर्स में, दिल्ली की जनता में और उत्साह बढ़ा है कि अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभर रही है और ऐसे में ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि राजेंद्र नगर की जनता ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी और दुर्गेश पाठक को, अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है। ये जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, उनके अंदर का उत्साह, उनके अंदर की ऊर्जा, उनके अंदर की खुशी इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी राजेंद्र नगर में भारी मतों से जीतने जा रही है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है, जगह जगह बैनर भी आप देख पा रहे हैं कि लगाया हुआ है कि स्थानीय विधायक को वोट दें और दुर्गेश पाठक को बाहरी बताया जा रहा है। तो मोदी जी कहाँ के हैं? मोदी जी तो वहाँ के गुजरात। मोदी जी गुजरात से जाके बनारस में चुनाव लड़ते हैं, उनको लोग वोट देते हैं। राजेंद्र नगर में एच ब्लॉक में रहते हैं दुर्गेश पाठक जी, जाकर कोई भी मिल सकता है। भाजपाइयों को भी भेजिए, एच ब्लॉक राजेंद्र नगर में जाके दुर्गेश पाठक से भाजपा वाले मिल सकते हैं। मैं बता तो रहा हूँ पता। तो ये नकली मुद्दे काम नहीं देंगे। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में दिन रात शाहीन बाग कर रहे थे। लोगों ने कहा भाई बस के कंडक्टर बन गए हो क्या, बस के कंडक्टर हो? जनता ने कहा चल भाग। इस चुनाव में भी इसी तरह के नकली ये इस बात को नहीं बताते कि एमसीडी के स्कूलों को ठीक करने के लिए क्या किया राजेश भाटिया ने, क्या किया एमसीडी में 15 साल से ये लोग थे भाजपा ही, कुछ काम किया इन्होंने? फाटक इन्होंने बंद करा। तो इसलिए सारी बदमाशी ये यहाँ के फाटक इन लोगों के बंद करवा दिए भाजपाइयों ने। तो सारे परेशानियां यहाँ के लोगों की जिंदगी में, दुश्वारियां, दिक्कतें भाजपा वाले पैदा करते हैं। आम आदमी पार्टी तो इनको राहत देती है, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। मानते हैं एमसीडी चुनाव की जो तस्वीरें होंगी कहीं ना कहीं ये चुनाव साफ कर देगा? देखिए एमसीडी चुनाव से भाजपा भाग गई और इस चुनाव में भी इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव छोड़ के भाग गए। इनका एक बहुत बड़बोला नेता है, वो चुनाव छोड़ के भाग गया। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करते लोग। आप चुनाव जीतने हारने की बात कर रहे हैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यहाँ से भागते हैं चुनाव लड़ने से। तो इस बार बुरी तरीके से हारेंगे राजेंद्र नगर में, आप देखिएगा। सर आज राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो मीटिंग हुई थी सर, उस पर पार्टी फैसला लेगी। मना कर दिया सर, समय आने पर पवार जी ने मना कर दिया। पवार जी ने मना कर दिया है तो पार्टी उस पर, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी उस पर पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा।